हाय दोस्तों, मेरा नाम देवन अग्रवाल है। जैसे कि आपने देखा कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया क्वालकॉम और मीडियाटेक के बारे में, प्रोसेसर कौन सा बेस्ट नहीं है, क्या रीज़न, टेक्निकली सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से अगर हमें किसी मोबाइल को, जैसे अगर आप मान लीजिए एक शॉपकीपर हैं और आप आपके अपने कस्टमर को कोई स्पेसिफाई फ़ोन बेचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसके बारे में अच्छी टेक्निकल आपको जानकारी हो, सो वो कैसे हो, और तो वो पूरी चीज़ बताने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इससे आपसे जुड़े सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और बेसिकली यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या है और किस तरह से ये वर्क करती हैं और कैसे हम किसी भी फ़ोन का एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत से अपडेट ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपको शायद यूट्यूब में और हमारे जो कि आपको यूट्यूब की कम्युनिटी में शायद देखने को ना मिले और शायद उसके वीडियो आपको देखने को ना मिले, क्योंकि छोटे छोटे यहाँ पर मैं हम लोग यहाँ वीडियो भी डालते हैं और उसके साथ में यहाँ पर हम लोग कुछ टिप एंड ट्रिक भी हम यहाँ पर पेस्ट करते रहते हैं। तो लिंक इसकी आपको नीचे मिल जाएगी, बाकी आप इंस्टाग्राम में देवेंद्र अग्रवाल सर्च करेंगे तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पेसिफाई फ़ोन को ढूंढना। तो आप कोई सभी फ़ोन ले लीजिए, जैसे V70 Pro या कोई सभी एक फ़ोन आप ले लीजिए। जैसे फॉर मैंने Realme 3 इसलिए लिया है क्योंकि इसमें MediaTek का प्रोसेसर लगा हुआ है, और उसका लेने का कारण एक और ये है कि Realme 3 अभी अच्छा एक फ्लैगशिप मोबाइल रहा है, सबसे अच्छा बिका है और मार्केट में, और मेरे ख्याल से हर एक चौथे आदमी ने Realme 3 फ़ोन लेकर रखा हुआ है। हालांकि ये देखने को मिलता है कि जिसमें इस तरह से जो पैटर्न और FRP के आते हैं उसमें हमने देखा कि इसमें ISP पिन आउट नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरली EMMC IC जो इसकी है उससे इंटरली लाइन उसके CPU में जाती हैं, जिसमें कई लोगों ने CPU और EMMC के बीच की लाइन उसे स्क्रैच करके भी उसका ISP पिन आउट बनाया है। हालांकि अगर आपको किसी भी फ़ोन को आपको उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आपको उसकी वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे उसका मॉडल नंबर लिखे और आगे एंटर कीजिए GSM एरिना जरूर लिखना है आपको। नहीं लिखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट आएगी और एरिना आपको दूसरी तीसरी वेबसाइट में मिलेगा। जनरली जो पहली और दूसरी वेबसाइट आएगी वो अमेजोन करके आती है उसकी बेचने के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, तो देखिए पहली रियलमी की आ गई है गैजेट, और ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मतलब उसी सेलिंग वेबसाइट आ गई है। पर अब मुझे बात करिए, देखिए एरिना तो उसके बाद भी आ रही है। एरिना एक हॉट सेलिंग आपकी स्पेसिफिकेशन वेबसाइट है जहाँ आपको मिलेगा सारी जानकारी। सो बेसिकली आपको यहाँ पर लिखना है GSM एरिना, और GSM एरिना के बाद जाने का इस वेबसाइट को ओपन करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फोन का स्पेसिफिकेशन लिखने। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट तरीको और फिलो तरीको आने वाले समय में देने वाले हमारे और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए एक महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए, इनके लिए आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है ये उसका फोन का आपको फोटोज, रियलमी 3 इसका मेन टैगलाइन, रिलीज 2019 में मार्च में रिलीज हुआ था ये फोन, और जो इस फोन का जो वजन है वो है 175 ग्राम, और जो थिकनेस इसकी है, जो इसकी आपकी मोटाई जो है वो है 8.3 mm का ये मोटाई है, इसकी थिकनेस है। और एंड्रॉयड 9.0 के अपडेट में आपको मिलेगा, और अप टू एंड्रॉयड 10 Pro और अप टू एंड्रॉयड 10, अगर एंड्रॉयड 10 का अपडेट आता है तो ये उसको मिलेगा। और रियलमी UI का इंटरफेस यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब इस फोन में जो सॉफ्टवेयर है वो रियलमी UI यूजर इंटरफेस यहाँ पे रियलमी का आपको देखने को मिलेगा। और जो इसमें आपको सेगमेंट मिलेंगे आपके मेमोरी के, वो मिलेंगे 32 GB इंटरनल और 64 GB के, दो आपको मिलेंगे। और माइक्रो SDSC यहाँ पर, अगर देखिए बात करें SD और XC क्या होता है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पर SD XC यहाँ पर ये देखिए, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह के यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर और SD और SE की बात करें तो ये लेटेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड है,
और जो फुल HD रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, जो स्पीड के मामले में काफी अच्छे माने जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम HD और SD को ऑल लेके अगर हम जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको सर्च कर सकते हैं, तो जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी स्क्रीन की, तो ये है 6.22 इंच का एक नॉच डिस्प्ले और 720x1520 पिक्सल्स का ये एक रेजोल्यूशंस है। अगर मैं इस रेजोल्यूशंस की बात करूँ तो देखिए कौन सा HD में, कौन सा HD फुल HD है, क्या आते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 720 और जो उसका आगे का दिया था 1520 आई थिंक। ओके, सो मैंने इसको, तो यहाँ पर ये एक HD अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर ये जो रिजोल्यूशन है, यहाँ पर आपको जो रिजोल्यूशन ये आपको मिलने वाले हैं, ये जो रिजोल्यूशन है यहाँ पर, ये देखिए ये रिजोल्यूशन जो आपको मिलने वाले हैं, जिसमें पिक्चर्स अलोन विद डल लेंथ, जिसमें ये जो रिजोल्यूशन मिलने वाले हैं, जिसमें इसकी बिट है 720 और जो इस पे पिक्सल्स डेंसिटी यहाँ पर अप्रोक्स दी जाएगी वो है 330 PPI, जो कि हम इसमें देखने वाले हैं। और इसमें बताया गया है द सेम डिस्प्ले देन वाज टू हैव द रेजोल्यूशन ऑफ 1080p देन द पिक्सल्स। अगर ये मान लीजिए 1080p होता तो इसका जो रेजोल्यूशन पिक्सल्स होता वो इतना होता। खैर ये देखने की बात है। अगर व्हाट इज द 1080p रेजोल्यूशन की यहाँ बात करें तो ये HD में आता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन HD में आता है। इस तरह से आप इसको डिस्प्ले रेजोल्यूशन देख सकते हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पे और जानकारी यहाँ पे आप ले सकते हैं। बात करते हैं इसके कैमरे की, तो कैमरा 13 MP का है जो कि यहाँ पर फुल HD के साथ में 1080 pixels के, जो कि यहाँ पे फुल HD 1080 pixels के साथ में आपको देखने को मिलता है। HD इसकी स्क्रीन और फुल HD इसका आपको कैमरा देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ इसकी रैम दी हुई है, ये 2 सेगमेंट में आते हैं, एक 3 GB वेरियंट में भी आते हैं और एक 4 GB के रैम सेगमेंट में आते हैं। और इसके नीचे इसका इसका प्रोसेसर के बारे में दिया हुआ, जिसमें मीडिया टेक से 6771 हीलियो का P60 वर्जन लगा हुआ है। अगर बैटरी की बात करें तो 4230 मतलब 4230 mAh इसकी लिथियम पॉलीमर की बैटरी यहाँ पर यूज की गई है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नेटवर्क की, तो नेटवर्क इसमें हम देखते हैं 2G और एक 3G प्लस इसमें HSPA और LTE मतलब 4G का आपको नेटवर्क देखने को मिलता है। और यहाँ हम बात करें 2019 में ये आपको आया था, जैसे कि पता है। देखिए यहाँ पर अगर आप, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, यहाँ अगर आप चाहते हो, जैसे आपका कोई एक बजट है, आप किसी फ़ोन को आप ऑलरेडी पहले से 1-2 महीने या 2-3 महीने पहले से देख कर रखा है, आपने कहा है कि भाई मैं तो ये फ़ोन लूँगा, तो आप यहाँ पर इसका स्टेटस भी देख सकते हैं कि ये अभी मार्केट में रनिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि दोस्तों आप जब दुकानों पर जाएंगे ना, तो ज़्यादा सब शॉपकीपर अपना पुराना स्टॉक बेचने के कारण ये चीज़ मार्केट में रिवील नहीं करते हैं, ये बताते नहीं है कि मार्केट में अभी नहीं चल रहा है। तो आप यहाँ पर इसकी कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत कम ऐसे शॉपकीपर्स होते हैं जो करते हैं, जेन्युइन शॉपकीपर हमेशा ऑलवेज एक सही और एक अच्छी जानकारी ही देते हैं। बॉडी डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको बॉडी डायमेंशन देखने को मिल रहा है। वेट जैसे कि मैंने बताया 175 ग्राम, अब यहाँ पर इन्होंने 175 ग्राम ऊपर भी यही चीज़ बताई थी। और यहाँ पर बिल्ड की बात करें तो ग्लास में आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 का एक आपको ग्लास देखने को मिलेगा, प्लास्टिक, और जो उसका बैक है वो प्लास्टिक का, और फ्रेम भी है जो उसका प्लास्टिक का बना हुआ आपको देखने को मिलेगा। सिम की बात करें तो डुअल सिम आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक नैनो सिम और एक डुअल स्टैंड बाय। सो जो सिम की बात करें तो आपको इसमें एक डुअल सिम देखने को मिलेगी, जिसमें आपको नैनो सिम आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर बात करें डिस्प्ले में, तो टाइप में IPS मतलब इन प्लेन स्विचिंग LCD, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल डायोड कैपेसिटी ऑफ टच स्क्रीन, मतलब देखा जाए तो ये देखो इसमें दोनों चीज़ इसमें बता दी गई है। ये इसका डिस्प्ले का आपको यहाँ पे इतने कंडीशन बता दी है टेक्निकली, और यहाँ इन्होंने बता दी है कि कैपेसिटिव टच स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। IPS एक बहुत अच्छा डिस्प्ले गया माना गया है LCD के अंदर आने वाला, क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर कोई डिस्प्ले आता है तो वो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग मतलब OLED है, तो LED डिस्प्ले आता है, जो कि यहाँ पे IPS सबसे बेस्ट है। IPS LED डिस्प्ले के बारे में मैं बहुत एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं बहुत क्लियरली तरीके से आपको समझा दूंगा कि किस तरह से IPS डिस्प्ले और बाकी डिस्प्ले में अंतर निकाला जा सके। साइज की बात कर रहे हैं तो 6.2 इंचेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो बॉडी स्क्रीन रेशो की बात कर रहे हैं, देखिए दोस्तों बॉडी स्क्रीन रेशो क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे
एक्सप्लेन करूं। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है स्क्रीन टू बॉडी रेशो, जैसे कि बताया 80.81.8% है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, आप यहाँ पे तीन फोन देख रहे हैं, एक में आपको 91, एक में 90.3 और एक में 93, जिस तरह से आपको कर्व डिस्प्ले यहाँ पे तीसरे में देखने को मिल रही है, जो कि सैमसंग का यहाँ पर फोन हो सकता है। तो मैं बता दूं, बॉडी स्क्रीन होती है, उसके बॉडी के ऊपर स्क्रीन का साइज कि कितना आपको डिस्प्ले आपको है और कितना बाकी आपको बॉडी का प्लास्टिक एरिया देखने को मिलेगा जो उसके फ्रेम होते हैं। तो जैसे फ्रेम लेस, जैसे चौथा आपको फ्रेम लेस ही देखने को मिल रहा है, ये बॉडी टू बॉडी है, और दूसरे में आपको हल्का सा फ्रेम आपको देखने को मिल रहा है, और पहले में भी आपको फ्रेम देखने को मिल रहा है, प्लस ऊपर एक नॉच आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन के, तो जैसे कि बताया है कि यहाँ पर भी इन्होंने कि गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको कोरिन गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज किया गया है, तो एंड्रॉयड 9.0 पाई इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगर एंड्रॉयड 10 आता है तो उसमें अपग्रेड भी ये फोन होगा। दोस्तों बहुत से फोनों में ये वाली लाइन नहीं होती है, मैं पहले बता दूं, अगर आप कोई फोन लेते हैं या फिर बाद में बोलते हैं मेरे पास तो अपग्रेड आया नहीं, तो कोई कंपनी भी पहले ही बता देती है कि हम उस फोन में अपग्रेड देने वाले हैं कि नहीं। तो Realme UI का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, MediaTek MD6761 का आपको प्रोसेसर यहाँ पर लगा हुआ है, Helio P60 यहाँ पर आपको उसका नंबर, उसका Helio P60 उसकी सीरीज का नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जिसमें जो कंपोनेंट नैनोमीटर का साइज है वो 12 mm, जो कि काफी हद तक अच्छा प्रोसेसर है MediaTek Helio P। और अगर CPU की बात करूं तो ऑक्टा कोर में आपको 2.0 GHz कोर्टेक्स A73 ARMS की टेक्नोलॉजी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। और अगर यहां पे GPU की बात करें तो माली का GPU, जो कि हमेशा MediaTek, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दे दे, जैसे कि यहां पे 2.0 GHz कोर्टेक्स की बात करें, या फिर बात करें इसके रैम की बात करें 3GB 4GB, बट यहाँ पर अगर GPU परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ ये थोड़ा सा फीका हो जाता है। माली G72 MP3, तो ये माली G72 जो CPU है काफ़ी हद तक ठीक है एक बजट सेगमेंट फोनों के लिए, और अगर कंपेयर करेंगे कॉलकम के साथ तो ये थोड़ा सा ही डाउन जाएगा। कार्ड स्लॉट पहले से बता दिया है, डेडिकेट का मतलब ये होता है अलग से दिया गया है, मतलब ये नहीं है कि आपको, आपने देखा था कि पहले फोनों में क्या होता था कि दो सिम लगाने की जगह नहीं होती थी, तो एक सिम को एक मेमोरी कार्ड के ऊपर अलग से चिप लगाकर उसके ऊपर का फ्रेम कार्ड के उसको लगाकर कुछ कस्टमाइज किया गया था, या उसका एक अलग से भी एक सिम स्लॉट आया था बाजार में 100-150 रुपए का, पर यहाँ पे बताया गया है कि डेडिकेट स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंटरनल यहाँ पर जैसे कि आपको बताई है 32GB 3GB रैम के साथ, 64GB 3GB रैम के साथ, 64GB 4GB के साथ, और MMC 5.1 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल आपको यहाँ पे फ्रंट में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर फोकस की बात करें तो 1.8 फोकस के साथ में यहाँ पे आपको, और फोकस की बात करें तो 1.8 फोकस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा यहाँ पर एक दिया हुआ है, मतलब दो फ्रंट में कैमरे यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। मेन कैमरे की अगर हम बात करें, नहीं कैमरे की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने को मिलेगा, फोकस 1.8 के साथ में 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरे के साथ। यहाँ पे LED फ्लैश जो आपको दिख रही है वो भी आपको एक HDR रेंज में दिख रही है। वीडियो की क्वालिटी आपको फुल HD यहाँ पे देखने को मिलेगी, 1080 पिक्सल्स, जिसको अगर हम बात करें जो 30 FPS, जो कि 30 FPS रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेगी। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें जिसके लिए मेन फोन लिया जाता है, तो 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर कैमरा है। देखिए दोस्तों, ये Realme 3 है, पुराना फोन है, मैं अभी एक Vivo V70 Pro भी इसके बाद लेना चाहता हूँ, क्योंकि कॉलकम में इसको बताना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो में पूरा बना रहेगा। हालांकि वीडियो लंबा हो गया है तो मैं क्या करूँगा, कॉलकम का एक तीसरा नया वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको, हालांकि मैंने इसमें देखिए मैंने खोल के रखा हुआ है V70 Pro, और इसके बारे में सुपर AMOLED क्या होती है, सारी चीज़ें मैं आपको आपको समझाने वाला हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर कैमरा 48 मेगापिक्सल के साथ में, वीडियो क्वालिटी 2160 पिक्सल्स, जो कि 30 FPS रेट के साथ, और एक और यहाँ पे वीडियो क्वालिटी बताई गई है 1080 मतलब 2160, एक तरह से 2K एक रेजोल्यूशन से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, लाउड स्पीकर यहाँ पे दिया हुआ है, 3.5 mm जैक भी यहाँ पर दिया हुआ है,
और यहाँ पे वाईफाई की बात करते हो, 8 वो जो वाईफाई का नॉर्मल हॉटस्पॉट जो कि सारी मोबाइलों में होता है वही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ 4.2 वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेगा, GPS है यहाँ पर, और उसके साथ रेडियो FM भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। USB माइक्रो में, तो USB की बात करें तो माइक्रो USB 2.0 का डेडिकेट आपको यहाँ पर कनेक्टर देखने को मिलेगा। USB ऑन द गो, मतलब यहाँ पे OTG भी आपको देखने को मिलेगा। सेंसर की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड, मतलब पीछे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिए हुए हैं, और इसमें एक्सेलेरोमीटर या प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये जो नॉर्मल आपके सेंसर होते हैं ये सारी चीजें उसमें लगी हुई हैं। बैटरी की बात करें तो नॉन रिव्यूएबल बैटरी आपके लिथियम पॉलीमर आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो 230 मिली एम्पियर आवर बैटरी जो स्टैंडर्ड यहाँ पे चार्जिंग, ये 10 वाट का आपको चार्जिंग का स्टैंडर्ड स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर कलर्स की बात करें तो ब्लैक, डायनेमिक, रेडिएंट ब्लू और डायमंड रेड में आपको ये देखने को मिलेंगे। मॉडल्स की बात करें तो ये 3 मॉडल्स में आते हैं। अगर इन्हीं मॉडल्स से लेकर रिलेटेड हम इनकी फ्लैश फाइल को भी अकॉर्डिंग हम जज करते हैं। प्राइस की बात करें तो इतना प्राइस में जाएगा, और डॉलर की बात करें तो US के मार्केट में ये डॉलर 169.99 मतलब 170 अप्रोक्स डॉलर में जाएगा। परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अगर बात करें तो Antutu का परफॉर्मेंस यहाँ पर जो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, गीन बेंच या फिर GFX बेंच या का परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या। अगर आपको ये नहीं पता कि परफॉर्मेंस कैसे किसी फ़ोन की चेक की जाती है तो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए Antutu का एक ऐप, और जिससे आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी जो कि मार्केट में भी फ़ोन चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस क्या है। डिस्प्ले की बात करते हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशो आपको यहाँ पे ये जो देखने को मिलेंगे नॉमिनल और सनलाइट, मतलब सनलाइट में आपको डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट किस तरह से देखने को मिलेगा, और नॉमिनल जो आप फोन अगर अंदर होते हैं घर के अंदर तो क्या देखने को मिलेगा। हालांकि इस पर भी मैं डीप में एक वीडियो आगे बनाऊंगा। कैमरे की बात करें तो फोटो वीडियो दोनों चीज इसमें आप ले सकते हैं। लाउड स्पीकर में भी सारी चीज़ें हैं, नॉइस 71 dB एक और रिंग, मतलब ये सारी एक तरह की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। नॉइस किस तरह से, मतलब ज़्यादा फट के आवाज़ नहीं आएगी, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, हालांकि मैं समझा सकता हूँ इसको मैं आगे किसी वीडियो में ले लूँगा। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो भी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी हद तक ठीक दी गई है। बैटरी लाइफ की बात करें तो एंडोरेंस रेटिंग 108 आवर यहाँ पे दी हुई है, जो कि यहाँ पर देखने लायक है। अगर मैंने इसको टिक किया तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे बैटरी लाइफ की पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, सारी बैटरी लाइफ के यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट यहाँ पे दिए हैं, कौन से फ़ोन से बैटरी लाइफ, टॉक टाइम यहाँ पर, वेब डिज़ाइन, वेब ब्राउजिंग, जब आप कोई वेब में जाकर आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं या वीडियो प्लेबैक करते हैं तो कस्टम यहाँ पर रेटिंग आपको बैटरी की लाइफ देखने को मिल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग भी आप अपने फ़ोन को परचेज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि सारी डिटेल मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है, अमेजोन नीचे यहाँ पर प्राइस रेट भी आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पर किस किस तरीके से प्राइस रेट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो पर जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि वीवो V70 Pro में किस तरीके की स्पेसिफिकेशन होने वाली है और क्या आपको देखने को मिल सकता है, और फिर मैं इसके रिलेटेड आपको कुछ टेक्निकली स्पेसिफिकेशन की कंपैरिजन आपको वीडियो देने वाला हूँ। साथ में कॉलकॉम और मीडियाटेक के बारे में बहुत सारे आपको ऐसे फैक्ट आपको बताने वाला हूँ कि जो आपको सेलिंग के टाइम पर काफ़ी एक आसान पड़ेगा टेक्निकल व्यू देने पर, ताकि आपका ग्राहक ये सोचे कि आपको बहुत नॉलेज है और वो आपकी आपसी सोच से अपना फ़ोन सेलेक्ट करे और आपका एक रेगुलर कस्टमर बन जाए। तो जुड़े हैं चैनल के साथ, बी मोटिवेटेड एंड टेक केयर ऑफ योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? इंडिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। एन ISO 9001 एंड 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, एशिया टेलीकॉम, एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.